जैसे मैंने आपको बताया था कि जब ईयर का एंड आता है, 31 मार्च आता है, तो 31 मार्च को ईयर के एंड में जितने भी बिज़नेस होते हैं, जितने भी बिज़नेस हैं, वो अपना दूसरा अकाउंट, बिज़नेस में दूसरा अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बिज़नेस का हमारा दूसरा अकाउंट है, तो मैं इसका भी फॉर्मेट आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे बनता है। देखो, जब ईयर का एंड आता है, 31 मार्च आता है, अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि बिज़नेस का, आप बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाइए, तो बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपने कैसे बनाना है, मैं इसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। ये भी ईयर के एंड में बनता है। देखो, आप सबसे पहले जब आप बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने लगोगे, तो आप ऊपर लिख देना, सबसे पहले ऊपर ऐसे लिख देना कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट ईयर के एंड में बना रहे हैं। और ये जब बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओगे ना, बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो ये भी ऐसे टी शेप में बनाना। बिज़नेस का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ये भी बेटा जी, जब बिज़नेस में हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो ये भी बेटा जी हम लग ऐसे टी शेप में ही, आप ये बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, टी शेप में ही बनता है। और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी बेटा जी आप डेबिट और क्रेडिट दो साइड बनाना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो बिज़नेस का बनाओगे, डेबिट क्रेडिट दो साइड, और डेबिट साइड में वही दो कॉलम बनाना, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का डेबिट साइड में, और ऐसे क्रेडिट साइड में भी, क्रेडिट साइड में भी ऐसे ही दो कॉलम बनाना, एक पर्टिकुलर्स का और एक अमाउंट का। जब बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाओगे ईयर के एंड में, तो ऐसे बनाना, साल के एंड में ऊपर प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा, डेबिट क्रेडिट टी शेप में बनाना, डेबिट साइड में दो कॉलम और क्रेडिट में भी दो। अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो आप बिज़नेस का बनाते हैं ईयर के एंड में, इसमें क्या आता है? देखो बेटा जी, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बिज़नेस का बनाते हैं ना ईयर के एंड में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ना, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बेटा जी, सबसे पहले याद रखना, हम क्रेडिट से शुरू करते हैं। इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ना बेटा जी, सबसे पहले हमारे को ना यहाँ पर ना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना होता है। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, यहाँ पर बेटा जी हमारे को सबसे पहले ना ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना होता है कि हमारे बिज़नेस में ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। यहाँ पर पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है कि मोटा मोटा हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया। क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना होता है कि हमारे बिज़नेस में ग्रॉस प्रॉफिट, हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना हुआ, ये शो करना होता है इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और मैंने बोला इसमें पहले क्रेडिट में आता है ग्रॉस प्रॉफिट, कि बिज़नेस में कितना हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, वो पहले यहाँ पे दिखाना है। लेकिन अब ये ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है ना, ये हमें मिलता पता कहाँ है? ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें ना ट्रेडिंग अकाउंट में मिलता है। तभी तो मैंने बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट नंबर वन है, ये नंबर वन अकाउंट है। पहले बिज़नेस में ये बनता है ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट से यहाँ पर आप जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो ना डेबिट में, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा आपका 90,000, जो ट्रेडिंग अकाउंट से आप ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हो ना, यही वाला ग्रॉस प्रॉफिट ना हम उठा कर ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालते हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, ये यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से आता है। और एक बात बोलूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ निकलता है? ये डेबिट में निकलता है ना, तो ट्रेडिंग के जैसे डेबिट में निकला ना, तो इसी तरह से ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। ये हमारे रूल होता है अकाउंट का, हमारे अकाउंट का ये रूल है कि जैसे यहाँ पे जो चीज़ एक अकाउंट में डेबिट में निकलेगी ना, वो जब दूसरे अकाउंट में जाएगी, जैसे इस अकाउंट के डेबिट में निकलेगी, तो जब ये दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगी, तो ये क्रेडिट में जाएगी। एक के डेबिट में जो आती है वो दूसरे के डेबिट में। तो जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते हैं, और ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिलेगा। तो ये यहाँ से जो निकालेंगे, वही ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालेंगे। अब देखो, यहाँ पे एक सवाल और भी है, क्या पता जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ तो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ जाए, ये आए ना, ग्रॉस प्रॉफिट आए ना, उल्टा ग्रॉस लॉस आ जाए। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ गया, बाय चांस ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ गया, ग्रॉस लॉस, अगर ये ग्रॉस लॉस आ गया ना ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये ग्रॉस लॉस आया तो इसको भी हम प्रॉफिट लॉस में ले जाएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेडिंग में ग्रॉस लॉस निकला ना, तो इस ग्रॉस लॉस को ना जब हम प्रॉफिट लॉस में लेके जाएंगे ना, तो ये प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, ग्रॉस लॉस, वही क्रॉस हो गया ना, ये क्रेडिट में निकला ना, तो ये P&L के प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाएगा। तो याद रखिएगा ये, लेकिन याद रखिएगा, जब बिज़नेस का प्रॉफिट लॉस बनाओगे ना ईयर के एंड में, तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आता है और ग्रॉस लॉस, लेकिन ये दोनों नहीं आएंगे, ये दोनों थोड़ी आएंगे, ये मैंने बोला है। और ये मिलेंगे कहाँ, ये दोनों कहाँ मिलेंगे, ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में देख लेना क्या निकला, अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकला तो
तो पी एंड एल में ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट में ले जाना, और अगर ग्रॉस लॉस निकला तो पी एंड एल के डेबिट में ले जाना। इन दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यहाँ पे पुट करना, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस। तो जब हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बनाते हैं ना साल के एंड में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो सबसे पहले ये डालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, दोनों में से जो आएगा वो डाल देना। और ये कहाँ से उठाकर, ट्रेडिंग में से उठाकर, यहाँ से उठाकर यहाँ डाल देना। अच्छा अब सुनिएगा, इस प्रॉफिट दोनों में से कोई एक चीज़ डालना बता रहा हूँ। अब इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और क्या आएगा बेटा जी, ये जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बिजनेस का बना रहे हो ना, कब, ईयर के एंड में, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ना इधर डेबिट साइड में, अब सुनेगा, इसमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ज़्यादा कुछ नहीं आता, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के ना अब इधर डेबिट साइड में, जो प्रॉफिट लॉस की ये डेबिट साइड है बेटा जी, इधर डेबिट साइड में ना बेटा जी हमारे को सारे के सारे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने होते हैं बेटा जी। इधर आपको याद है इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो चीज़ होती है जो गुड्स बनाने में खर्चे नहीं हो रहे, गुड्स बनाने में जो खर्चे नहीं होते अलग से जो होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं उसके अलावा। तो प्रॉफिट लॉस के इधर डेबिट में पता क्या आते हैं बेटा जी, इधर हमें सारे के सारे ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने हैं, इनडायरेक्ट जो गुड्स बनाने में नहीं होते वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने होते हैं। और बस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में और कुछ नहीं आएगा, बस इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही आएंगे, बस और कुछ नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस बहुत होते हैं, आपने देखा होगा जैसे रेंट है, सैलरी है, चैरिटी है, डिस्काउंट है, ऐसे पता नहीं ढेर नाम है। तो इधर सारे बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे और कुछ नहीं आएगा, मैं ओनली बोल रहा हूँ पी एंड एल के डेबिट में सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाने हैं और कोई चीज़ नहीं आएगी। जितने भी, अच्छा क्वेश्चन में गिवन होंगे, चिंता नहीं करो, क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे सिर्फ इनडायरेक्ट ओनली वही पी एंड एल के डेबिट में दिखाते चले जाना इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अब सुनिएगा, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता है, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो इधर क्रेडिट साइड है ना, ये वाली क्रेडिट साइड बेटा जी, इधर क्रेडिट साइड में ना बेटा जी हम सारी की सारी ना बेटा जी इनकम दिखाते हैं। बेटा जी हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें इनकम भी तो होती हैं बेटा जी, क्रेडिट में हमें ना सारी इनकम दिखानी होती हैं, जितनी हमारे बिजनेस में इनकम्स हुई हैं इधर सारी इनकम आती हैं, ऑल इनकम्स, क्रेडिट में सारी इनकम दिखानी होती हैं जितनी भी हमें इनकम हुई हैं बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, बिजनेस में जितनी इनकम्स हुई हैं। अब जैसे इनकम का मतलब ले लो कि जैसे बिजनेस में हमें कहीं से कोई रेंट रिसीव्ड हुआ कहीं से, जैसे आपको कहीं से कोई कमीशन रिसीव्ड हुआ, जैसे आपको कहीं से कोई डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, जैसे आपको कहीं से कोई बैड डेट रिकवर हुई, याद करो बैड डेट रिकवर क्या होती है, डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाना, तो वो भी तो इनकम है बैड डेट रिकवर। जैसे आपको कहीं से कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये होता नहीं है बैंक में FD कराते हो आप, फिक्स डिपॉजिट कराओ तो बैंक से मिलता है इंटरेस्ट मिलता है, तो वो तो प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में क्या आएगा, इधर क्रेडिट में सारी इनकम्स आएंगी, ऑल इनकम, जितनी भी, चिंता नहीं करो, जितनी क्वेश्चन में इनकम दे रखी होंगी ना वो सारी इधर आएंगी। ये साइड इनकम की है, इधर सारी इनकम दिखाना जो बिजनेस में आपकी इनकम्स होती हैं, रेंट मिलना, कमीशन मिलना, डिस्काउंट मिलना, बैड डेट, इंटरेस्ट रिसीव, तो जितनी भी इनकम्स होंगी वो सारी पी एंड एल के क्रेडिट में आएंगी, सारी इनकम। क्वेश्चन में देखना जो जो इनकम होंगी इधर दिखाना। और याद रखना इनकम में ना एक फ़र्क होता है कि इनकम ना, याद रखना सारी इनकम इधर ही आएंगी। देखो एक्सपेंस के ना, एक्सपेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको पता है एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, याद होगा इन एक्सपेंस की दो कैटेगरी हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब डायरेक्ट वाले कहाँ पर आए थे, वो ट्रेडिंग में आए थे डेबिट में, और इनडायरेक्ट वाले कहाँ आए, वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में आए। तो एक्सपेंस की दो कैटेगरी हैं, लेकिन इनकम की दो कैटेगरी नहीं होती, इनकम एक ही है। इनकम याद रखना कभी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं होती, दोबारा बता रहा हूँ, इनकम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होती, इनकम जितनी भी क्वेश्चन इनकम होंगी सारी इधर ही आएंगी, इसलिए ऑल लिखा है। इनकम में ऐसा भेदभाव नहीं होता डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, सारी इनकम इधर आएंगी। तो बस बेटा जी ऐसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है साल के एंड में बिजनेस का। अगर कोई बोले ना प्रॉफिट लॉस बनाओ ईयर के एंड में, तो प्रॉफिट लॉस बिजनेस का ऐसे बनाना बहुत आसान है, ऊपर लिखना टी शेप में बनाना, दो दो कॉलम बनाना, पहले इसमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाना, ये ट्रेडिंग में से देखकर, जो दोनों में से एक चीज़ दिखाना, जो ट्रेडिंग में आएगा वो यहाँ दिखा देना, जो भी आएगा उल्टा होता है, यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट में आएगा, यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट में आएगा।
और हाँ इन दोनों में, फिर उसके बाद इधर बस इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं और कुछ नहीं आता बस, और इधर इनकम आती है। ऐसे साल के एंड में, साल का जब एंड आएगा तो आप बिजनेस का, ऐसे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लेना। ये बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया, बस और कुछ नहीं आएगा। और ये जब ये बिजनेस का आप ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लोगे, बन चुका है ना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, अब इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में और क्या करना है, इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाएगा फिर इसमें भी वही लास्ट में वही करना, क्रेडिट साइड का टोटल करना प्रॉफिट लॉस में, ये क्रेडिट का टोटल करना और डेबिट का भी करना, इस अकाउंट में भी क्रेडिट टोटल करना डेबिट करना। मान लो इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड ज़्यादा आ गई, मान लो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आया और इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कम आई। अच्छा अगर इसमें डेबिट साइड कम आती है तो आप किधर लिखोगे ये तो बताइए आपको, अगर डेबिट कम आई तो आप डेबिट में ही लिखोगे, कितना लिखोगे डेबिट में, ये क्रेडिट में से इस साइड में से ये डेबिट साइड का जो डिफरेंस होगा बताओ, इस साइड में से ये साइड घटा के, दिस माइनस दिस, क्रेडिट में से डेबिट, अगर ये छोटी आई तो इधर लिखना जितना दोनों का डिफरेंस होगा वो लिखना, और अगर ये डेबिट छोटी आई तो ये जो डिफरेंस आएगा ना माइनस करके क्रेडिट में से डेबिट, ये डिफरेंस पता है क्या निकल आएगा इधर डेबिट में, ये इधर डेबिट में आपका ना नेट प्रॉफिट निकल आएगा। इसका मतलब बिजनेस में, कारोबार में, बिजनेस में आपको नेट प्रॉफिट हुआ, अगर डेबिट छोटी आई तो इधर नेट प्रॉफिट आ जाएगा। याद रखना कोई सीडी नहीं लिखना, ये कोई बैलेंस सीडी नहीं है, ये नेट प्रॉफिट निकल आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट लॉस का मकसद क्या था, इस अकाउंट को बनाने का मकसद क्या था, नेट प्रॉफिट निकालना। तो इधर डेबिट छोटी आई तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आएगा ये बड़ी में से छोटी साइड घटाने के बाद, माइनस करके जो डिफरेंस होगा वो, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा कि बिजनेस में हमें नेट प्रॉफिट हुआ है जी, ये बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकल आएगा। और हाँ ये छोटी आई तो नेट प्रॉफिट, और लास्ट में टोटल कर देना दोनों साइड बराबर आ जाएंगी। उल्टा भी हो सकता है, अगर इस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बड़ी आ गई तो, अगर ये बड़ी और ये क्रेडिट छोटी आई, अच्छा अगर क्रेडिट छोटी आई तो फिर इधर लिखोगे, तो इधर लिखोगे कितना लिखोगे, वही बड़ी में से छोटी घटाकर, बड़ी में से छोटी घटाकर जो डिफरेंस आएगा इधर लिखोगे, अगर ये छोटी आई तो इधर बेटा जी आपका फिर नेट लॉस निकल आएगा, इधर नेट लॉस आ जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, इधर नेट लॉस आ जाएगा कि हमारे को नेट लॉस हुआ है। तो लेकिन ये दोनों नहीं आ जाएंगे, या तो ये छोटी आएगी तो इधर नेट लॉस आ जाएगा, माइनस करके लिख देना अमाउंट, और जो अमाउंट आएगा उसे सीडी नहीं नेट लॉस लिख देना कि नेट लॉस हो गया, और अगर ये छोटी आई तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे हमारे बिजनेस का ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है एंड में बनता है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड में हम ऐसे बनाते हैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बेटा जी।